नहीं, घर भी होगा इंशाल्लाह हमारा खुद का, और गाड़ी भी, और तुम थोड़े से मोटे पेट भी आगे से निकला हुआ होगा डेफिनेटली. ओके, दिस इज द फॉर श्योर. और मेरो आयुष गोरखली हो. आयुष गोरखली हो? अरे इतना भी सीधा नहीं दे रहा था कि तुम भी तो लड़की हो ना. मैं नहीं हूं लड़की, हाँ? तुम किसी और को बता देते. फिर से अब नखरे मत करो तुम, चुपचाप पागल. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो. आई होप आप लोग सारे ठीक होंगे, अच्छे होंगे और मस्त होंगे. गाइस आज अभी हम रिएक्शन करने जा रहे हैं आयुष और एलिजा के टिकटॉक लाइव वीडियो के ऊपर. वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो गाइस, ये वीडियो अंत तक देखना. अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना प्लीज. अपने भाई को सपोर्ट कीजिए जो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच गाइज. तो देखते हैं गाइज आज के वीडियो, फिर करते बात. ओके लेट्स गो. 5 साल के बाद? 5 साल के बाद मतलब तुमने अब तुम तो इमेजिन करते हो, तो मतलब मुझे भी तो साथ ही तो इमेजिन करती होगी ना कि मतलब फ्यूचर में कुछ सोची हो तो. फ्यूचर के बारे में आप? हाँ. तो आज से मतलब 5 साल के बाद तुम्हारी मतलब तुम्हें क्या लगती है कि मतलब किस जगह कैसे कहाँ और कौन सी सिचुएशन और कैसी मतलब हमारी वो रहेगी लाइफ? ओ 5 साल बाद मेरे साथ के बारे में? 5 साल ओके. फील लाइक के 5 साल, अगर यहाँ से 5 साल देखे तो हमारी फॉर श्योर शादी तो हो चुकी होगी. ठीक है ठीक है. यू से 2-3 इयर्स, बट आई पर्सनली फील कि तुम इतना टाइम नहीं लोगे. तो यस, हमारी शादी तो हो चुकी होगी एंड मे बी बच्चे होंगे हमारे, शायद एक होगा या दो होंगे, ऐसा तो हो सकता है. और अगर इस टाइम देखा जाए तो ये अक्टूबर का टाइम है, राइट? तो हम शायद अपने बच्चों के साथ नेपाल में होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे. क्या मतलब 5 साल में बस इतने होगी? नहीं, घर भी होगा इंशाल्लाह हमारा खुद का, और गाड़ी भी, और तुम थोड़े से मोटे पेट भी आगे से निकला हुआ होगा डेफिनेटली. ओके, दिस इज द फॉर श्योर. और मैं खुद को बहुत पतली देखती हूँ फ्यूचर में, बिकॉज यू नो दिस से कि एक लड़की जब यू नो जवान होती है और जिसके बच्चे नहीं होते, तो अगर वो मोटी होती है तो जब उसके बच्चे हो जाते तो वो पतली हो जाती है. ओके, दिस इज हाउ इट इज. बिकॉज जो भी मेरा मोटापा और मेरी जो अंदर न्यूट्रिशन है वो तुम्हारे बच्चे खा जाएंगे. यस yes, तो मैं पतली दुबली हो जाऊंगी. तो यस, आई सी माई सेल्फ वेरी पतली दुबली, सर वो तुम्हारा मोटा सा पेड़ होगा और ऐसे ऐसे चलोगे. तो यू आर सेटिस्फाइड विद माई आंसर? अबिट 3-4 बच्चे देखती हो? तो 5 साल के अंदर 3-4 बच्चे कहाँ से होगी, पागल हो तुम? 5 साल के बाद 7 बच्चे? कभी कभी 3 भी हो जाते. 3 भी हो जाते? तुम तो गोरखली हो ना, गोरखली. गोरखली हो तुम? जस्ट देखाओगे. मेरो 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 आयुष गोरखली हो, को बेटो हो, तो दर्द हो रहा है ना मेरे सर में. ओह माय गॉड, मेरे सर में एकदम ही दर्द हो रहा है, मेरी आंख में भी कुछ गया है. एकदम एक उंगली दर्द करने लग गई है आज को मेरी. Yeah, oh my God. Oh. हो गया, देख लिया. फिर गायब हो जाएगी, अभी फिर ज्यादा मत फ्लेक्स करो. ये मैंने उसके साथ चिपका, इसके अंदर चिप है, चिप. चिप, आलू चिप. तुम इसको टच करोगे टू 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 करेगी, साइरन बजेगी. के नेपाल में भी इतनी सारी लड़कियां हैं, दुबई में भी इतनी सारी लड़कियां हैं, दुनिया में इतनी सारी लड़कियां हैं, व्हाई मी? हाँ तो तुम भी तो लड़की तो ना, इसीलिए. देखो ये क्या, अब डायरेक्ट आंसर ही तो दे रहा हूँ, क्या हो गया तुम्हें?
मेरे पैसे बर्बाद कर दिए लव के। पैसे बर्बाद कर दिए, अरे क्यों यार। आयुष क्या जवाब दे अच्छे से। अरे वही तो है ना, आप देखो मैं वहां की मुंडी तोड़ दूंगी, मैं बता रही हूँ आयुष। अब देखिए सीधी सीधी आंसर देता हूँ तो आप देखो ऐसी होती है। अरे इतना भी सीधा नहीं दे रहा था कि तुम भी तो लड़की हो ना। मैं नहीं हूँ लड़की, मतलब लड़की हूँ, मतलब लड़की तो हूँ, लेकिन फिर भी क्यों दुनिया में तो इतनी लड़कियां हैं पर मैं क्यों। अरे यार क्योंकि मुझे ये वाली लड़की क्यों वो क्यों किना। अरे यार वो दिल जुड़ गई ना, मतलब आयुष देखो ये ठीक से जवाब नहीं दे रहा। बात करने में तुमसे मजा आती थी और तुम्हें चुगली करने में भी तुमसे मजा आती थी, मजाक मस्ती तो यार हर एक चीज में तुमसे मजा आती थी यार। तुमसे बात करना मजा, तुम्हें देखना मजा, तुम्हें सुनना मजा। अरे सुनना मजा, तुम दूसरी लड़कियों से भी बात करते थे कैसे? तो पार क्या बोला मैंने, बस तुम्हें टाइम दे पाया ना वही बोल रहा हूँ मैं। तुम किसी और को भी टाइम देते थे? फिर से आप नखरे बात करो, सच में पागल ड्रामे ही चाहिए यार लड़की तो। बस देखो उधर सीधा मतलब सीरियल वाली वो कैरेक्टर निकल जाती है। सीरियल वाले कैरेक्टर। अब तुम एक तो मुझे प्रोस्पेक्ट भी वो हो गई कि तुम इतनी खूबसूरत भी हो। खूबसूरत ये सुनो ठीक है, इतना मतलब बहुत खूबसूरत हो यार कसम से। मतलब मैंने सोचा नहीं था जब मैंने तुम्हें नकाब से नकाब में देखा, पर जिस दिन तुमने मुझे फेस दिखाई तो उस दिन तुम्हें तो मतलब अरे यार बिना देखे मुझे तो यार मतलब आंख बंद करके मेरे हाथ में सोना मिल गई। वल्ला बोलो वल्ला। वो तो वल्ला ही है, वो तो वल्ला ही है। सुना ही तो मेरी। गाइस आज की वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना। तो नेक्स्ट वीडियो मिलती है, आज के लिए ओके बाय।